हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस डाल्टन्स लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्टेटमेंट एंड देन वी विल डिस्कस इट अ लिटिल. पहले हम देखें डाल्टन्स लॉ कहना क्या है. उससे पहले ये बताएं, इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1801. अब ये लॉ किसके बारे में है? ये लॉ बारे में है, अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस हो तो उसका प्रेशर कैसा बनेगा. ए मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ नॉन रिएक्टिंग नेचर, जिनको जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं. ये कहता है द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स. टोटल प्रेशर, हमारे पास मान लो आपके पास दो तीन गैसें हैं अलग अलग से हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अलग अलग कंटेनर्स में है, उनका कुछ प्रेशर होगा. अगर उनको मिक्स कर दें हम, लेकिन गैसेस कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव गैसेस, जो आपस में रिएक्ट ना करें, नॉन रिएक्टिव. अगर वो गैसेस रिएक्ट करेंगे तो फिर ये लॉ वैलिड नहीं रहता है. नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए. तो हम ये कहेंगे कि अगर उनको हम मिक्स कर दें, एक ही साथ रहेंगे, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होगा. पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है द प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैसेज वेन दे आर इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज. प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज इंडिविजुअल गैस, मतलब आपके पास तीन चार गैसेज हैं, उनमें से हर एक का अपना अपना जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर, और जो टोटल प्रेशर बनेगा वो उनका सम होगा उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस, प्रेशर ऑफ थर्ड गैस एंड सो ऑन, जितनी आपके पास गैसेस हों. और ये इसको बोलेंगे हम, हर एक को बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर, बिकॉज दिस इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाई इंडिविजुअल गैसेज इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, कि बहुत सी गैसेज के बीच में जो हर एक का अपना अपना प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर, और जो टोटल प्रेशर होगा उसको बोलेंगे हम इनका सम, इनके सम के बराबर वो टोटल प्रेशर आ जाएगा. तो मान लो हम इसको कैसे शो करते हैं, आपके पास मान लीजिए आपके पास एक तीन कंटेनर्स हैं अलग अलग से. इफ यू हैव थ्री कंटेनर्स और कंटेनर वन आपके पास ये है क्लोज कंटेनर, देन द सेकंड कंटेनर यहाँ पे बैरोमीटर लगा हुआ है, इसके बगैर हम कैसे शो करेंगे? ये बैरोमीटर लगा है जिससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. मान लीजिए ये आपके पास मर्करी का लेवल, इसमें प्रेशर की वैल्यू 1, ये मान लीजिए आपके पास दिस इज ऑक्सीजन गैस, और इसको मान लीजिए दिस इज नाइट्रोजन गैस, इसका प्रेशर P1 है और इसका जो प्रेशर P2. अगर हम इन दोनों के बोथ द टू गैसेज आर एनक्लोज्ड इन सिंगल कंटेनर, तो तब क्या होगा? जो प्रेशर होगा इसका, अभी मान लीजिए हमने गैस 1 और 2 का यहाँ पे मिक्सचर, दोनों गैसेस को एक साथ ले लिया है, मतलब दोनों को हमने ऐड किया हुआ है, तो फिर जो आपके पास प्रेशर आएगा, दिस प्रेशर विल बी द सम ऑफ P1 एंड P2. ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा सकता है, और प्रूव किया गया कि आपने एक गैस ली, उसको अलग से प्रेशर आपने मेजर किया, फिर दूसरी गैस ली, इसका अलग से आपने प्रेशर मेजर किया, बाद में अगर आप दोनों को आपने एक ही कंटेनर में लिया, जो प्रेशर आएगा वो इनके सम के बराबर आता है. तो इससे लॉ प्रूव हो जाता है कि जो टोटल प्रेशर आता है वो पार्शियल प्रेशर के इक्वल ही होता है. तो यही ये लॉ कहता है. इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर कल शुरू करेंगे. थैंक यू.